ओम शांति। आज 18 जनवरी है, बाबा की पुण्यतिथि, अव्यक्त दिवस। सारा दिन हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अंतर्मुखी होकर के रहना है, मौन में रहना है, प्यार के सागर बाबा की याद में, प्यार में समाये रहना है। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा एक ही स्मृति रखी, आत्म अभिमानी बने। लास्ट में बाबा ने बच्चों को 3 मंत्र दिए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो सारा दिन ये भी हम पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे कि निराकार शिव बाबा के समान अपनी निराकारी स्थिति बनानी है, साथ साथ निर्विकारी। निर्विकारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ही प्यूरिटी, पवित्रता रहे, कोई भी नेगेटिविटी मन में ना आए, बोल में भी ऐसा वैसा बोल ना हो और कर्म भी ब्रह्मा बाप समान बने। फिर निरअहंकारी, जैसे बाबा निर्माण थे, बाबा के अंदर निर्मलता थी, नम्रता थी, बच्चों के आगे हमेशा बाबा नम्रता को धारण किए हुए थे। बाबा इतने ऊंचे से ऊंचे, लेकिन कर्म इतने साधारण करते, लेकिन निराकार शिव बाबा की याद में रह करके। तो जैसे बाबा ने स्वयं को निमित्त समझा, विश्व नव निर्माण किया और नम्रता को धारण किया, ऐसे बाप समान हमें भी बनना है, आज सारा दिन अभ्यास करना है। तो सुनते हैं 18 जनवरी के मधुर महावाक्य। पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर 18 जनवरी 2022 प्रातः क्लास में सुनाने हैं। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। प्यार को प्यार खींचता है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा हमको खींचेगा, अर्थात अट्रैक्शन, कशिश होगी। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बार बार बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है, हमको बाबा के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना ही है, यहाँ रहना नहीं है, इस शरीर से ममत निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए है, इसमें ममत नहीं हो, बस घर जाए। ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं, हमने 84 का चक्र लगाया तो बाप कहते हैं, भल धंधा धोरी आदि करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में याद रहे, यह तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना, भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रूढ़ियान करते रहो। बाप की श्रीमत है। मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे,
तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं, वह तो योगी है ना, निश्चित रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं, शरीर छोड़ जाएंगे, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग माने ही मेहनत का युग। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं के मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर देते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता ही नहीं, बाकी जीव घात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कुछ करें, खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर सोज सन, सन सोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया है और तुम बच्चों को फिर नए नयों को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं। इससे हमारा उन्नत जीवन भी उन्नति को पाएगा। किसी की भी सेवा करेंगे, हमारा भी जीवन उन्नति को पाएगा, खुशी होती है। हर एक को उमंग रहता है, हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिंस की सेवा करें। तो बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देंगे, शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष, कल्प पहले मिसल ही है, ये वृक्ष है ना, इनमें सभी सेक्शन हैं। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे, कैसे सब रहते हैं, सीजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती है वहाँ से आत्माएं फिर नंबर वार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें, साथ साथ बाप की ही सर्विस के साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए। याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक था। लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है। बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियाँ निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं सोया खाया पिया सारा दिन व्यर्थ चला गया। बाबा कहते ऐसे नहीं, स्वयं की उन्नति के भी औरों को भी ज्ञान समझाने का बाबा का बनाने का ख्याल चलना चाहिए। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए, रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा फिर प्यार कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे बाबा, कशिश नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबर वार बनने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे, समझाएंगे तो सही ना बाबा, ऐसे ही बैठ जाएं छोड़ दें, ऐसे बाबा बच्चों को नहीं छोड़ता है। पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, बच्चों को ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। ना ही कि मैंने ऐसे किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है,
नहीं सुधरते हैं तो उनकी गति क्या होगी? रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है, हर एक बच्चे को अपने आप से पूछना है, बाप से हम में सब कुछ मिला है, इतनी बाबा के पास सब गुणों की, शक्तियों की खानियां हैं, तो वो सब कुछ जो बाबा देना चाहता है, दाता है, वो सब कुछ मिला है, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है? बाबा ने तो सब कुछ दिया है, तो फिर क्या कमी रही? कोई प्रकार की कमी नहीं। अपने अंदर झांक करके देखना है ना, जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो, बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या क्या खामियां रही हुई हैं जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। पाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती ही नहीं, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से, सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय भी देंगे, खामियां बहुतों में हैं। कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसकी कोई भी प्रकार का फालतू चिंतन है तो उसको ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन क्यों समझाते हैं बाबा रोज रोज? लेकिन ये धारणा करने की बातें हैं। पांच विकारों को जीतने की बात अभी की ही है। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, हाँ वो जो इविल सोल होती है वो वाले भूत नहीं, ये जन्म जन्मांतर के भूत पांच विकार अंदर प्रवेश हैं, जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है, आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ यह भी सॉरी, जिसको देखते हैं यह भी आत्माएं हैं, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं, बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी ये देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, बाबा को इस तरीके से भी हम याद करें कि बाबा ले जाने के लिए आया है, वापस घर चलना है, और बाबा हमें स्वर्ग का लायक बना रहा है, लायक बना करके ही साथ ले जाएगा। तो यह याद करने से घर भी याद आएगा, स्वर्ग भी याद आएगा, और बाबा भी याद रहेगा, 3-in-1 हो जाएगा। तो बाबा आए हैं ले जाने के लिए, बाकी ये देखना हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, क्योंकि लायक बनेंगे, तैयार हो जाएंगे, तभी बाबा ले जाएंगे। कौन सा गुण कम है उसको फिर भरना है। आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में ये खामी है, तो फिर बैठकर करंट दें कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, शिकायतें शिकवे नहीं, प्यार की बातें, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो,
बाबा आप कितनी प्यारी हो। बाबा शुक्रिया आपका, आपने हमारे जीवन को कितना परिवर्तन किया। हम क्या थे, छी छी थे, आप हमें पावन बना रहे हो, आपने हमें पवित्र बना दिया। प्यार के सागर बाबा, आपने प्यार दे दे कर हमको प्यारा बना दिया। बाबा मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ आपका, आपने मुझे 21 जन्मों की बादशाही दी। कितना नशा है मुझे, ऐसा मीठा बाबा जो भविष्य के लिए मुझे इतना माला माल कर रहे हैं। मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप कितने मीठे हो, हमें भी ऐसा मीठा बना रहे हो। बाबा ऐसे ऐसे बाबा से रू रिहान करते रहो, मीठी मीठी बातें करते रहो। तो बाप की याद में बाप की महिमा करने से ये भूत भागते जाएंगे। अंदर में जो पांच भूत हैं, बातें करने से सारे पांचों के पांच और भी छोटे छोटे बाल बच्चे सब भागते जाएंगे, और तुमको खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो कि यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है, माया की परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाबा के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबर वार निमित हैं। अच्छा, अति मीठे अति लाडले सर्व सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से ज्ञान प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आगे और भी महावाक्य फिर बाबा को याद प्यार देंगे। अव्यक्त महावाक्य अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप, अपनी अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते ये अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार करते रहो, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे, जाकर के हम ऐसे देवता लक्ष्मीनारायण बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। अभी यह हूँ, फिर यह बनूंगा, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सो फिर देवता बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपने अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है, अप्रोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। ये बाबा बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। वो लाइट का स्वरूप कहो, चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है।
जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे, मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, अपने आप से पूछते जाएं जो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा, लाइट रूप से। कोई भी सामने आए एक सेकंड में अशरीरी बन जाए वो लाइट रूप से ही होगा। ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी जाता था बहुत सी बातें लेकर के जाता था, एकदम अशरीरी हो जाता था और सब व्यर्थ बातें भूल जाती थी। बाबा से कौन सी बातें करनी है ये भी भूल जाती थी। तो अंतिम स्वरूप बाबा का ऐसा लाइट रहा, फरिश्ता रहा। जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे, मस्तक के ऊपर देखेंगे लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा, लाइट रूप से। कोई भी सामने आए तो सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा ना। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित आकारी लाइट का ही रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, एक सेकंड में धारण करेंगे, एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा, एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को ख़त्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएं। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वह ही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है, इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार हैं व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वह आ जाते हैं। करें या ना करें यह भी सोचना नहीं पड़ेगा, बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे से बोलते हैं, हिलते हैं, सब कुछ करते हैं, स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है, ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए, जब चाहे यह लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए व जो कुछ करना है वह करें। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी।
जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ता का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी ही है ना। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा बाबा के लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे, बाबा का भी करते थे और शुरू में दादियाँ भट्टी में थी वो भी करते थे। जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। वैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने ही किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारे से चलती है। नज़र से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है बुझाओं में समाने वाले, बाप की बुझाओं में समाने वाले और बुझाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव। वरदान, जो बच्चे बाप के स्नेही हैं वो सदा ब्रह्मा बाप की बुझाओं में समाते रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की बुझाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा बुझाओं में होते हैं, तो सेवा में बाप दादा की बुझाएं हो और रहते हो बाप की भी बुझाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी बुझाओं में समा जाओ और कभी बुझाएं बनकर सेवा करो। नशा रही कि हम भगवान के राइट हैंड हैं, स्लोगन। संतुष्ट और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। लवलीन स्थिति का इशारा है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का प्रारंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, वतन में आओ बच्चे मुझसे मिलन मनाओ। स्वयं भगवान बुलाते हैं, रू ध्यान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं और उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ आदि आदि। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। कोई भी बात में मेहनत ना करनी पड़े, बाबा सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो सहज योगी जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव करो। ओम शांति।